उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता पंकज कुमार सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सुनील, अनुमंडल पदाधिकारी नगर उटारी आलोक कुमार, MVI लाल बिहारी जादव, LDM RBIB लाल एवं गढ़वा जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा सुदूर ग्रामीण बसावटों को प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय आदि से जोड़ने, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों, छात्र छात्राओं, कृषकों को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी हेतु निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वाहनों के परिचालन योजना के क्रियान्वयन, अनुसरण एवं पर्यवेक्षण हेतु विशेष नियम बनाए गए। इसके निर्मित प्रथम चरण में उक्त योजना के अंतर्गत नए मार्गों का निर्धारण, वाहन क्रय हेतु लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाना एवं वाहन क्रय वाहन का निबंधन परमिट आदि की स्वीकृति से संबंधित कार्रवाई की जानी है। इस योजना के तहत वैसे हल्के माध्यम वर्णिज्य चार पहिया वाहन जिसमें हार्ड टॉप बॉडी तथा सॉफ्ट टॉप बॉडी हो, इसका निर्माण मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार 7 तथा अधिकतम 42 यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए किया गया हो, कोई इस योजना के तहत परमिट एवं सुविधा प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत परिचालित वाहनों का दुरुस्ती, बीमा, वाहन चालक का चलान अनुगति इत्यादि सभी अभिलेख जो मोटर एक्सीडेंट वेकम क्यूमिनल बाद में दावे हेतु आवश्यक होते हैं वो अध्ययन रखा जाना अनिवार्य होगा, ताकि मोटर वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित को समुचित मुआवजा प्राप्त करने में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई न हो। निर्धारित मार्ग पर इच्छुक आवेदन इस योजना के तहत झारखंड राज्य के सभी स्थानीय निवासी योजना का लाभ लेने हेतु प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकते हैं। उक्त निर्धारित बैठक में अपने अपने प्रखंडों के ग्राम मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के संचालन हेतु मार्ग चिन्हित कर प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन आदि की मांग की गई थी, जिसके साथ बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई। तो बैठक के पश्चात सड़क सुरक्षा के तहत भी बैठक संपन्न की गई, जिसमें कम से कम दुर्घटनाओं या दुर्घटना रहित परिचालन करने के उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।